जयंत चौधरी, चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव मिलकर लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां कर रहे हैं। एक तरफ खुले मंच से जयंत चौधरी बात साफ कह चुके कि इस बार रालोद लोकसभा चुनाव 2024 में वापसी का डंका बजाती नजर आएगी। जो कुछ भी नुकसान पिछले कुछ चुनावों में हुआ अब वो भरपाई करेगी। दूसरी तरफ मायावती की बसपा का भी यही हाल है कि पिछले जो कुछ भी चुनावों में नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए उनके पास सबसे बड़ा मौका आ रहा है लोकसभा चुनाव 2024 का। लेकिन इस बीच जयंत चौधरी के साथी बने हुए चंद्रशेखर आजाद, जो पश्चिमी यूपी में उनके दलित वोटर को साधने के लिए कारगर साबित होंगे। लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद पर नजरें दौड़ाएं, उनके बयानबाजियों पर नजरें दौड़ाएं, तो आप दलित वोटर को तभी साथ पाओगे जब दलित वोटर को तोड़ने का काम करोगे। यानी कि मायावती के साथ उत्तर प्रदेश में दलित वोटर नजर आते हैं। अब दलित वोटर को तोड़ने के लिए मायावती पर आपको आरोप लगाने होंगे, उनको झुटलाना होगा, उनको ऐसा दिखाना होगा कि दलित वोटर का उनसे भरोसा उड़ जाए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद क्या कर रहे हैं, वे मायावती को अपनी माँ समान बता देते हैं, कहते हैं कि वे मेरी राजनीतिक गुरु है, उनसे मैंने सब कुछ सीखा है। तो ये जो बातें हैं ये क्या मायावती को उठाने के लिए हैं, उनका वोट बैंक और बढ़ाने के लिए है या घटाने के लिए? एक तरफ जयंत को यह विश्वास है कि अगर मायावती की बसपा का साथ नहीं मिला तो इस बार आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी मिलकर हमारा काम करा देगी, ये उम्मीद जताई थी उन्होंने। जब गोलीकांड हुआ था तो जयंत चौधरी ने साफ कहा था कि चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर सांसदी का चुनाव लड़ा जाएगा और ये बहुत जल्द संसद बन जाएंगे। तो एक तरीके से ये ऐलान चंद्रशेखर आजाद को लेकर जयंत ने साफ कर दिया। लेकिन अब जयंत चौधरी खुद मायावती के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने ये कह दिया कि हमें उम्मीद है कि जल्द वो भी इंडिया दल में शामिल होंगी। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद भी मायावती खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करते। आकाश आनंद के खिलाफ थोड़ी बहुत बयानबाजी करी थी और कुछ ना कुछ बसपा के फैसलों पर बयानबाजी करते हैं, लेकिन मायावती के फुल सपोर्ट में नजर आते हैं। और यही बात कहीं ना कहीं नुकसान दे रही चंद्रशेखर आजाद को। पिछले चुनाव में जब भी उन्होंने शिरकत करी तो कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। सबके मन में यही सवाल है कि नाम तो बहुत कमा लिया लेकिन जीतेंगे कब, यही सवाल सबके मन में है कि आखिर जीतेंगे कब। तो जीत तो हासिल हो नहीं पा रही है। अब यही बात जब निकल कर सामने आ रही है तो सब कह रहे हैं कि अगर आपको अगर एक वोट बैंक का साथ चाहिए तो उस वोट बैंक को तोड़ने का काम करना होगा, जैसे इस समय अखिलेश की सपा कर रही है। अखिलेश के सपा के नेता क्या कहते हैं, साफ कहते हैं कि मायावती की पार्टी बीएसपी बीजेपी से मिली हुई है और बीजेपी दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी के खिलाफ है, ये बात सपा कहती है। तो ऐसे में वही वोटर्स साफ देखते हैं कि अगर बसपा सचमुच भाजपा के साथ मिली है तब तो हमारा नुकसान है कि अगर हम बसपा को वोट देंगे फायदा भाजपा उठाएगी। तो ऐसे में सपा बसपा के वोट बैंक तोड़ने का काम कर रही है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और जयंत चौधरी की तरफ से अभी वो काम नहीं होता दिख रहा है। तो ऐसे में इनको नुकसान होगा ही होगा। अब देखते हैं इस चीज के लिए क्या कदम रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।